मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को शामली में स्कॉटिश इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र ने सबको समान मताधिकार दिया है, एक वोट हर वयस्क मतदाता का अधिकार है। इस एक वोट की कीमत क्या होती है, कैराना वासियों से बेहतर इसका कोई दूसरा जीता जागता उदाहरण नहीं है। ये वोट जब गलत हाथों में आता है तो कैराना में पलायन होता है और कर्फ्यू लगता है, लेकिन सही हाथों में आता है तो धूमधाम से कांवड़ यात्रा निकाली जाती है और विकास तेज रफ्तार से आगे बढ़ता है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने भाजपा और लोक दल के संयुक्त प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के पक्ष में मतदान के लिए प्रबुद्ध जनों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पौराणिक एवं ऐतिहासिक धरा ने इतिहास में अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। उन्होंने सभी प्रबुद्ध जनों का हृदय से अभिनंदन करते हुए कहा कि हम सब कई दशकों से ये गीत सुनते थे कि अवध में होली खेले रघुवीरा, मगर 500 साल बाद सही मायनों में अब वह अवसर आया है जब रामलला सचमुच में अवध में होली खेल रहे हैं। लेकिन अब व्यापारी और यहाँ का नागरिक पलायन नहीं करता है, अपराधी अब यहाँ का पलायन करता है। पहले अन्नदाता किसान से लेकर के हमारा व्यापारी और बेटी भी सुरक्षा की गुहार लगाती थी, कोई सुनवाई नहीं होती थी, और अब एक अपराधी गले में तख्ती लटका करके अपने जीवन की भीख मांगने के लिए मजबूर होता है। जान बकस तो आगे से ठेला लगा करके गुजर बसर कर दूंगा, आप किसी को हम छेड़ेंगे नहीं। तो हम भी कहते हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। आप मुझे बताओ, पिछली सरकार ने कर्फ्यू दिया और हमने आपको कांवड़ यात्रा दी, कांवड़ यात्रा धूम धड़ाके के साथ निकाली, कोई रोक टोक नहीं। यानी एक वोट की कीमत देश को भी कहां पहुंचा सकता है, नागरिक सम्मान को कहां ले जा सकता है, और सभी लोगों को बिना भेदभाव की सुरक्षा भी दे सकती है। और इसके लिए यह प्रबुद्ध सम्मेलन समाज के हर तबके का व्यक्ति यहां पर आया है, अधिवक्ता भी है, चिकित्सक भी है, शिक्षक भी है, व्यापारी भी है, इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग भी हैं, पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग भी हैं, जनप्रतिनिधि भी है, और समाज के विभिन्न तबकों से जुड़े हुए लोगों को बुलाया गया है। ये समाज का माहौल बनाते हैं, समाज को लीड करते हैं। और आपके यहां तो पहले चरण में ही चुनाव है 19 अप्रैल, लेकिन अंतिम चरण में पहली जून को चुनाव है पूर्वी उत्तर प्रदेश में। अगर पहले चरण के मतदान के लिए आप अपने आप को तैयार कर लेंगे और पहले दिन से ही तय कर लेंगे कि नहीं, हमें चुनाव के मतदान के लिए स्वयं भी वोट पोल करना है और लोगों को वोट पोल करने के लिए प्रेरित करना है, अगर आप ये तय कर लेंगे तो मित्रों मतदान का जो प्रतिशत 30-40-50-60% तक सीमित रह जाता है, इसी प्रतिशत को हम बढ़ा करके 80-90% तक कर सकते हैं, और यही सही लोकतंत्र है जहां बिना भेदभाव के हर व्यक्ति अपने मताधिकार का।